मुगल सराय में सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन, सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर को दिखाए काले झंडे। सहारनपुर में सराफा कारोबारियों के समर्थन में बंद रहा बाजार, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं कारोबारी। फतेहपुर में मंचलों ने की वकील की पिटाई, छेड़खानी का विरोध करने की दी सजा। महोबा में नाबालिग बच्चों ने खेल खेल में चला दी गोली, 8 साल के एक बच्चे की हो गई मौत। लखीमपुर खीरी में मूक बधिर लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला, पीलीभीत फर्जी एनकाउंटर में 47 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अफीम की खेती का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। मथुरा में पीली धातु की ईंट को सोने की ईंट बताकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कानपुर में वकीलों ने हड़ताल कर लगाया जाम, साथी वकील को जेल भेजे जाने से नाराज थे वकील। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर इटावा की एसएसपी मंजुल सैनी ने पुलिसकर्मियों को लगाई दौड़, ड्यूटी के दौरान आराम फरमा रहे थे ये पुलिसकर्मी। कानपुर में सराफा व्यापारियों ने ट्रेन रोककर किया एक्साइज ड्यूटी का विरोध, पुलिस ने की कार्रवाई। गाजीपुर में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, अय्याशी के लिए करता था लूट। मैनपुरी के बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात, 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए बदमाश। वाराणसी की जेल में कैदियों के हंगामे के बाद जेल मंत्री बलवंत सिंह ने किया मुआयना, कैदियों की वजह जानने की कोशिश की। एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या की जांच करने बिजनौर पहुंची एनआईए की टीम, मौके का किया मुआयना, शिवहरा की सीसीटीवी फुटेज की भी कर रही है जांच। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या, अपने ननिहाल से लापता हुई बच्ची। भदोही में 25 लाख रुपए की फिरौती के लिए मामा ने भांजे का किया अपहरण, 10 साल के मासूम को आजाद कराया गया, मामा समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 30 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, 40 साल की अविवाहित महिला ने घर के पंखे से लटक कर दे दी जान। सहारनपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी की मदद से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची पुलिस, बच्ची को कराया आजाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या, लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के करौली में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कर रहे हैं विरोध। ऋषिकेश में कांग्रेस के विधायक को लोगों ने दिखाए काले झंडे, लोकतंत्र बचाओ सभा के दौरान हुआ हंगामा। गढ़वाल में एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ बाजार बंद, सराफा कारोबारियों के समर्थन में उतरे बाकी के भी व्यापारी। जोशीमठ में बर्फबारी, सैलानियों ने स्नो ट्रैकिंग का लिया मजा। शराबबंदी की मांग पर करौली में 4थे दिन में जारी रहा विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं हुई शामिल। बीकानेर में पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, टंकी पर चढ़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। सवाई माधोपुर में एक शख्स ने पेड़ से लटककर दे दी जान, आत्महत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं। भरतपुर में बेरहम मां ने नवजात बच्ची को झाड़ियों में छोड़ा, बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाड़मेर में संदिग्ध अवस्था में मिली दलित छात्रा की लाश, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। बीकानेर में दलित छात्रा की रेप के बाद हत्या, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भरतपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोर का धावा, 2 लाख रुपए के गहने जेवरात लेकर फरार। सवाई माधोपुर में शराबखोरी के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा, दुकानों पर लेडी ब्रिगेड ने जड़ा ताला। जयपुर में जोखी धाणी में हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करौली में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। नागौर में डॉक्टर को लूटने की योजना बना रहे आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार, एक होटल का संचालक भी गिरफ्तार। झालावाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने का विरोध।
अलवर में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का विरोध। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ बीकानेर में कारोबारियों का बंद, व्यापारियों के आपस में भिड़ंत भी हुई। जयपुर में भी कारोबारियों का विरोध, दवा की दुकानें छोड़कर पूरा बाजार रहा बंद। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, अब तक करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं ये। छपरा में पुलिसकर्मियों ने ली शराब न पीने की शपथ, पुलिस लाइन में एसपी ने दिलाई ये शपथ। सहरसा में भी पुलिस विभाग के अफसरों और जवानों ने खाई शराब न पीने की कसम, कार्यक्रम में 450 पुलिस के जवान मौजूद। कटिहार में शराबबंदी का असर, नशा मुक्ति केंद्र में सिविल सर्जन को पैसे देकर शराब लाने की गुहार करते दिखे शराबी। आरजेडी कार्यकारिणी में सजा याफ्ता शहाबुद्दीन को शामिल करने पर बीजेपी का हमला, राबड़ी देवी ने फैसले को ठहराया सही। शराबबंदी को कामयाब बनाने के लिए नालंदा में युवकों की पहल, शराब की जगह दूध बांटकर नशा न करने की दिला रहे हैं शपथ। धनबाद में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हाईवे पर हंगामा किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की आत्महत्या के मामले में हिरासत में लिए गए राहुल राज का परिवार सदमे में, राहुल को बता रहे हैं अच्छा इंसान। लातेहार में वन विभाग की बड़ी लापरवाही, लाखों की अवैध लकड़ी जब्त की। देवघर में सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ा रहा है लोहे के बर्तन बनाने की कला, कारीगर पलायन को हो रहे हैं मजबूर। गुड्डा के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के यौन शोषण का भंडाफोड़, दो वार्डन गिरफ्तार। गढ़वा में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, लेवी की मांग करने के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। फिल्म एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की मौत पर जमशेदपुर में शोक सभा, निजी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों ने दी श्रद्धांजलि। देवघर में कुएं से बरामद हुई विवाहिता की लाश, दो दिनों से ये लड़की थी लापता, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। लातेहार जिले के 14 साल पूरे होने पर जश्न, रन फॉर लातेहार का आयोजन किया गया, अफसरों और ग्रामीणों के बीच क्रिकेट का मैच भी खेला गया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली से बाहर शिफ्ट होने वाले आईएएस और दैनिक अफसरों को 30 जून तक बंगला खाली करने के दिया आदेश। यमुना किनारे कार्यक्रम कराने वाले श्री श्री रविशंकर देंगे 4,75,00,000 रुपए की बैंक गारंटी, एनजीटी में है सुनवाई। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे फेज के दौरान महिलाओं और वीवीआईपीज को जारी रहेगी छूट, एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में सिर्फ 20% महिलाएं करती हैं ड्राइविंग। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन, उत्तराखंड सरकार को गिराने का केंद्र पर लगा रहे हैं आरोप। एनआईए ऑफिसर मोहम्मद तंजील के बच्चों ने बताई वारदात की पूरी दास्तां, मरने तक अफसर को गोली मारते रहे हत्यारे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रतापपुर में 4 ग्रामीणों को हाथियों ने रौंदा, 4ों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 में किया संशोधन, स्कूल में बच्चों को पीटने और भौंरा मनाने पर टीचरों को 3 साल तक की सजा का है इसमें प्रावधान। एयरफोर्स के कमोडोर अजय शुक्ला की नक्सलियों की चेतावनी, हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई तो एयरफोर्स करेगी भारी जवाबी कार्रवाई। आईवीआरसीएल हैदराबाद से छिना रायपुर बिलासपुर हाईवे का ठेका, कोलकाता फ्लाईओवर गिरने के बाद राज्य सरकार ने ठेका किया निरस्त। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, ठेकेदार से चेक जारी करने के बदले मांगी थी ये रिश्वत। बांकुरा के ताल डंगरा बूथ में घुसा बंगाल पुलिस का सिपाही, मौके पर मौजूद लोगों ने किया विरोध, चुनाव में अर्धसैनिक बलों के जिम्मे है सुरक्षा। सीपीएम का तृणमूल कांग्रेस पर आरोप, पश्चिमी मिदनापुर के
शलबोनी में बूथ 143 बूथ 191 पर कब्जा करने का लगाया आरोप। बांकुरा के रानीबंद इलाके में दो पोलिंग बूथ पर ईवीएम्स खराब, एक घंटे तक रुका रखा मतदान। बांकुरा में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर लिया मतदान में हिस्सा, रिक्शे में बैठकर वोटिंग करने पहुंची 75 साल की महिला। पश्चिमी मदनापुर में बीजेपी के बूथ एजेंट पर हमला, पीड़ित ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। भारत माता की जय से जुड़े विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव लेकिन बयान पर अड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, ट्रस्ट के फैसले का कर रहे हैं विरोध। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर किया वार, कहा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कुछ नहीं कर रही है मोदी सरकार। महाराष्ट्र में जालना जिले के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अंकुश राव टोपे का निधन, कुछ समय से बीमार थे, अस्पताल में थे भर्ती। महाराष्ट्र के बुलढाणा में डीएम दफ्तर में तैनात सिपाही का हंगामा, दाभोलकर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेन गेट पर चढ़ गया। दिल्ली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, 127 मामलों में पुलिस को इस चोर की तलाश थी। लुधियाना में नामधारी समुदाय के पूर्व प्रमुख की पत्नी पर हमला, अस्पताल में तोड़ा दम। अहमदाबाद में दो शिक्षण संस्थानों का तुगलकी फरमान, भारत माता की जय कहने पर ही मिलेगा दाखिला, ट्रस्टी में गुजरात के पूर्व मंत्री दिलीप संघानी। रीवा में शुरू हुआ व्हाइट टाइगर सफारी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, 24 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी ली शपथ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लोगों का छलका गुस्सा, बिजली पानी की कमी को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों के नाम पते और मोबाइल नंबर मांगने के केजरीवाल सरकार के फैसले का किया विरोध। हरियाणा के रोहतक में राज्य के पूर्व गृह मंत्री ने बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया आरोप। पंजाब के अंगाला में कांग्रेस की रैली, बीजेपी अकाली दल सरकार पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गैस टैंकर से टकराई कार, कार के उड़े पर कच्चे, ड्राइवर की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में 50 से ज्यादा महिलाओं ने की गर्भगृह में घुसने की कोशिश, पुलिस ने जबरन किया बाहर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, बीजेपी समर्थकों के टीएमसी का झंडा फाड़ने के बाद बढ़ा बवाल। लखनऊ में अप्रैल में ही 38 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, लोग परेशान। मध्य प्रदेश के खरगोन में उबला मौसम का मिजाज, 44 डिग्री के पार पहुंच गया है खरगोन में तापमान। भोपाल में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, पारा 41 डिग्री के पार। इंदौर के एम्पायर अस्पताल से 3 महीने का बच्चा चुराते हुए महिला सीसीटीवी में कैद। गुजरात के अमरेली में कॉलेज का नकल का वीडियो हुआ वायरल, कॉलेज प्रशासन ने कही जांच के बाद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन स्कूल की स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक घर से 1.5 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद हुई, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। चेन्नई में कांग्रेस डीएम के ने किया सीटों का बंटवारे का ऐलान, 234 सीटों में से 41 सीटें कांग्रेस को मिली। जयललिता ने भी सीट की घोषणा, चुनाव तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फार्म हाउस पर सरकारी खर्च को लेकर मचा बवाल, विपक्ष के तीखे हमले। चेन्नई में समलैंगिकों का प्रदर्शन, खुशबू की टिप्पणी का विरोध। बेंगलुरु में मैनहोल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, बचाने आए 2 राहगीरों की भी हो गई मौत।
बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट आई दिस इज कोली वेरी कोली वेरी कोली वेरी बी मेंटेन दिस हां आई दिस इज कोली वेरी।